वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड्स। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड्स जो होता है इसको किसने डिस्कवर किया है। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं इनको डिस्कवर किया है फ्रेडरिच मेशर ने। न्यूक्लिक एसिड को इसलिए न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं क्योंकि जब इनको डिस्कवर किया गया है ना तो ये एक सेल के न्यूक्लियस में ये पाएगी। ये सेल है, इसका जो बीच वाला पोर्शन जो होता है यहाँ पे इनको इस न्यूक्लियस में डिस्कवर किया गया है, इसीलिए इनको बोलते हैं न्यूक्ली। न्यूक्ली का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा न्यूक्लियस, उसी को बोलते हैं न्यूक्ली। तो अगर हम इनमें देखेंगे इनमें क्या होता है, कौन कौन सा केमिकल इनमें प्रेजेंट होता है। कार्बन इनमें प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, और साथ में क्या होता है, फॉस्फेट होता है। इस तरीके से मैं यहाँ पे बता दूंगा, ये कार्बन होगा, ये हाइड्रोजन होगा, ये ऑक्सीजन हो गए और फास्फोरस हो गए। तो ये चार पांच जो होते हैं 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होके ये क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। ये न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अगर हम देखेंगे डीएनए क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है। जो ह्यूमन्स होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब एक जनरेशन, या हम बोलेंगे एक जनरेशन जो होता है ह्यूमन की, ये दूसरी जनरेशन में आएगा, उसी को बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल ह्यूमन्स में क्या होता है, डीएनए। तो इसमें क्या होता है, अगर हम देखेंगे इसमें जीन्स होते हैं। तो जो किसका सेगमेंट होता है, जीन्स जो होते हैं, जीन्स किसका सेगमेंट होता है, डीएनए का। ठीक है ना, डीएनए का सेगमेंट होता है। दूसरा जो होता है राइट आरएनए। आरएनए का मतलब क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इससे क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस लेता है डीएनए से। डीएनए है, ये डीएनए होगा, फिर क्या इससे क्या इंस्ट्रक्शंस लेंगे इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए क्या होता है, आरएनए का टाइप। तो फिर क्या वो बनाएगा, प्रोटीन्स। ठीक है ना, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। इस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी होता है, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स ठीक है ना, ये कहाँ पे हो जाएगा, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में। ठीक है ना। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे ना, ये न्यूक्लिक, ये जो आरएनए जो होता है, आरएनए ह्यूमन्स में नहीं, मतलब ये जेनेटिक मटेरियल ह्यूमन्स में प्रेजेंट नहीं होगी। कुछ वायरसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल कोविड हो गया, उसका जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए ही होता है। ठीक है ना। और कुछ दूसरे वायरसेस होते हैं जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ठीक है ना। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना, जिस तरीके से हमने पढ़ा था प्रोटीन्स लास्ट वीडियोज़ में, हमने देखा है, तो जो प्रोटीन्स जो होते हैं उसका जो बेसिक यूनिट, या हम बोलेंगे इसको मोनोमर, प्रोटीन का अगर हम मोनोमर यूनिट देखेंगे, अमाइनो एसिड होते हैं, ए ए मतलब अमाइनो एसिड। इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स कौन कौन, आरएनए एंड डीएनए, इनका जो मोनोमर यूनिट होता है, मोनोमर यूनिट क्या होता है इनको, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना। तो किसके बने होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड मान लीजिए, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर हो गया दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, फिर दूसरा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है ना। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड में भी बहुत सारे तीन कंपोनेंट्स होते हैं एक न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है ना। एक होता है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा होता है पेंटोज शुगर, तीसरा जो होता है प्यूरीनेस एंड पायरीमिडिनेस, या इनको बोलते हैं कलेक्टिवली, इनको बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। मतलब हम क्या कहेंगे, ये पूरा जो होता है ये फॉस्फेट ग्रुप है ना, ये फॉस्फेट ग्रुप किसके साथ मिलेगा, राइबो शुगर के साथ। फिर आएंगे नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डबल रिंग वाले जिनको बोलते हैं प्यूरीनेस, और जो दूसरे सिंगल वाले रिंग्स जो होते हैं इसमें नाइट्रोजन बेसिस, उनको क्या बोलते हैं, पायरीमिडीनस। ठीक है ना। तो ये कंपोनेंट्स जो होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस, तो ये किसके कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड ही होता है, ये एक मतलब ये
एक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप होगा, पेंटोज शुगर होगा और नाइट्रोजनस बेस होगा, ठीक है ना। तो यही एक न्यूक्लियोटाइड होता है। तो यही न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ना, बहुत सारे मिलके डीएनए एंड आरएनए बनाते हैं। तो ये पेंटोज शुगर जो होता है ना, वेरी होता है। सपोज डीएनए होगा तो वहाँ पे क्या होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब वहाँ पे क्या होगा, जो राइबोज शुगर है ना, राइबोज मतलब 5 कार्बन वाला शुगर, पेंटोज शुगर होता है। राइबोज, इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पेंटोज शुगर। तो डीएनए में क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये राइबोज शुगर है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन है ना इस राइबोज शुगर में, इसको निकाल देंगे ऑक्सीजन, तो ये क्या बनेगा, डीऑक्सीराइबोज, निकला हुआ ऑक्सीजन, तो उसी को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यू। तो यहाँ पे ऑक्सीजन डीएनए के मतलब शुगर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक। तो ये किस में प्रेजेंट हुआ, डीएनए। इसी तरीके से अगर हम आरएनए देखेंगे, पेंटोज शुगर क्या होगा, राइबोज, ठीक है ना। मतलब ये चेंज हो सकता है डीएनए में, अगर डीऑक्सीराइबोज यहाँ पे पेंटोज शुगर पे आएगा तो वो डीएनए होगा, अगर यहाँ पे राइबोज शुगर आएगा तो वो क्या होगा, वो सीधे क्या होगा, आरएनए होगा। तो ये वैरी होता है। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है ना, डबल रिंगड को क्या बोलते हैं, प्यूरिनस, और सिंगल वाले को क्या बोलते हैं, पायरिमिडिनस। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि साइटोसिन जो होता है ना, ये प्रेजेंट होता है डीएनए में एज वेल एज आरएनए में होता है, तो थायमिन जो होता है सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है, ये आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। ये जो यूरासिल होता है ये सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होगा और ये क्या होगा, डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। इसी तरीके से अगर हम एडेनिन देखेंगे और गवानिन जो होते हैं, जो प्यूरिनस होते हैं, डबल रिंगस होते हैं, एक रिंग दो रिंग, एक रिंग दो रिंग, तो ये क्या होते हैं, ये डीएनए में भी प्रेजेंट होगा और आरएनए में भी प्रेजेंट होगा, और डीएनए और आरएनए दोनों, ये डीएनए एंड आरएनए, सिर्फ डिफरेंस रहता है यहाँ पे। अगर हम नाइट्रोजनस बेस में क्या देखेंगे, थायमिन डीएनए में प्रेजेंट होगा, यूरासिल किस में, आरएनए में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो मतलब अगर हम देखेंगे ना, ये जो थायमिन एंड साइटोसिन होता है, थायमिन होगा, साइटोसिन ये यूरासिल होंगे, तो ये क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं और क्या होते हैं, सिंगल रिंग स्ट्रक्चरस होते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं पेरीमिडिनस। जो ये प्यूरिनस होते हैं, ये लंबे मतलब लार्ज रिंग स्ट्रक्चरस होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चरस होते हैं, इनको बोलते हैं प्यूरिनस। दूसरा जो होता है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर का मैंने बोला 5 कार्बन वाले शुगर को क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर। तो डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होगा और राइबोज जो होता है वो आरएनए में होगा। तो एक और कंपोनेंट होता है न्यूक्लियोटाइड में, वो होता है फॉस्फेट ग्रुप, ये वाला फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये किससे अटैच हो जाएगा, राइबोज शुगर के साथ यहाँ पे, ठीक है ना। राइबोज शुगर किससे किसके साथ अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं उनके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो पेंटोज शुगर जो होते हैं, ये अल्टरनेट फॉर्म में होता है डीएनए स्ट्रैंड में, तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। जो फॉस्फेट होता है किसके साथ, मतलब अगर हम देखेंगे एक डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है, ये हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, इस तरीके से। एक स्ट्रैंड हो गया, ऐसे बना लेता हूँ इसको, तो डीएनए के जो यहाँ पे जो डीएनए का मॉलिक्यूल जो होता है ना, ये बिल्कुल एक लैडर के जैसे होता है। तो लैडर में जो इंटरनल, जैसे हम स्टेप चढ़ते हैं ना एक लैडर में, तो वहाँ पे क्या होते हैं, ये होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, यहाँ पे एन भी लिख देता हूँ मैं, ये इन मतलब इनसाइड होते हैं इस हेलिक्स में, ठीक है ना। ये हेलिक्स है, हेलिक्स के इनसाइड में ये बेसिस जो होते हैं एक स्टेप के जैसे होते हैं। तो ये जो बाहर के साइड जो होते हैं, ये बाहर के साइड जो होता है इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फॉस्फेट होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा, और ये क्या होगा, ये पेंटोज शुगर होगा, ठीक है ना। तो इन
इनसाइड, मतलब अगर हम एक सीढ़ी को चढ़ेंगे, सीढ़ी में जो स्टेप्स जो होते हैं ना, वो क्या होंगे, नाइट्रोजनस बेसिस, और यहाँ पे जो बाहर साइड जो स्पाइरल में वो जो होता है ना, ये वाला जो होगा पेंटोज शुगर, फिर आएगा फॉस्फेट ग्रुप, फिर पेंटोज शुगर आएगा, फिर फॉस्फेट ग्रुप आएगा। तो इसी तरीके से इस स्ट्रैंड में भी होगा पेंटोज शुगर, फिर होगा फॉस्फेट, यहाँ पे ये वाला फॉस्फेट होगा, फिर पेंटोज आएगा, फिर फॉस्फेट इसमें, इस तरीके से इसमें भी आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो होता है ना, ये फॉस्फेट जो होता है पेंटोज को ऑल्टरनेट करता है, बाहर एक्सटर्नली ये प्रेजेंट होता है, और जो पेंटोज और फॉस्फेट जो बाहर साइड प्रेजेंट होता है, ये इनसाइड होता है, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ये यहाँ पे मैंने प्यूरेनस और यहाँ पे जो होते हैं ये पिरामिडन्स बनाए। ये स्ट्रक्चर कैसे यहाँ पे नाइट्रोजनस बनते हैं ना, नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं, इनका बॉन्डिंग क्या होता है और ये किस तरीके से बनते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे। जैसे स्ट्रक्चर का देखेंगे न्यूक्लिक एसिड्स का, तो वहाँ पे इसको और डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ओवरव्यू दिखाया है न्यूक्लिक एसिड्स होते कैसे हैं, इनकी जो मतलब मेन बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसे होता है। नेक्स्ट जब हम अच्छे से नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर जो होता है न्यूक्लिक एसिड का, तो वहाँ पे हम डीएनए का जो स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली हम मेंशन करेंगे उसमें, तो वहाँ पे और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।